बिग बॉस में प्रतीक और नेहा को स्पेशल पावर मिली थी और किसी एक सदस्य को जो कि नॉमिनेटेड है उनको बचाना था। तो किसको बचाया है प्रतीक और नेहा ने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। हालांकि मैंने आपको बताया कि उन दोनों के बीच में जो है बहस शमिता और निशांत को लेकर थी और दोनों को ये फैसला लेना था कि आखिर किसको बचाया जाए। नेहा शमिता की दोस्त है, वो शमिता को बचाना चाहती थी, लेकिन लगातार प्रतीक का ये कहना था कि शमिता स्ट्रांग है, हमें निशांत को बचाना चाहिए, निशांत ने हमारा समय समय पर साथ दिया है। पर नेहा का ये कहना था कि इस बार जो है उनके लिए बहुत जरूरी है अपने लिए डिसीजन लेना और वो अपनी दोस्त को बचाना चाहती हैं। हालांकि प्रतीक जो है उनका ये भी कहना था कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये भी बोले कि आप मेरे से कनेक्शन बनाने के बाद अपनी दोस्ती को भूल गई, तो मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन है, मुझे निशांत को समझाने में बहुत समय लगेगा और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। दोनों की बहुत देर तक बहस हुई, दोनों ने अपने अपने जो है पक्ष रखे, लेकिन यहां पर पलड़ा किसका भारी हुआ। नेहा ने आखिरकार जो है इस बात की अनाउंसमेंट कर ही दी कि वो लोग जो है शमिता को बचाना चाहते हैं। तो शमिता शेट्टी को नॉमिनेशन से नेहा ने सेव कर लिया है और अब शमिता जो है वो नॉमिनेटेड नहीं है। तो जो सदस्य नॉमिनेशन में है वो है अक्षरा, मिलिंद, दिव्या और निशान। हालांकि मुझे लगता है कि ये नेहा और प्रतीक का गलत फैसला था, शमिता ऑलरेडी पॉपुलर हैं, उन्हें वोट मिल जाते, उनको जो है निशांत को बचाना चाहिए था अगर दोस्ती निभानी ही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, नेहा और प्रतीक इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि इन दोनों से ज्यादा जो है अगर किसी को बाहर जाने का खतरा है तो वो अक्षरा, मिलिंद और दिव्या है, निशांत या शमिता में से कोई नहीं जाएगा। उसके बावजूद जो है ये दोनों उन तीनों के बारे में सोचने को तैयार नहीं थे। जाहिर सी बात है उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो फिलहाल दोनों ने मिलकर शमिता शेट्टी को बचा लिया है।